नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको एट्रियल फ्लटर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो एट्रियल फ्लटर को समझने से पहले आप एक बार एट्रियल फिब्रिलेशन का वीडियो जरूर देख लें जो मैंने YouTube पे डाल रखा है। तो आप लिखें एट्रियल फ्लटर ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन लिख के बाय डॉक्टर हेमंत आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एट्रियल फ्लटर के ट्रीटमेंट के बारे में, इसके क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और कैसे इसको डायग्नोस करें और कैसे इसे ट्रीट करें। तो चलिए समझते हैं एट्रियल फ्लटर को। समझने से पहले जैसे मैंने एट्रियल फिब्रिलेशन में बताया था कि पहले हर्ट के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। हर्ट क्या है? दिल। हर्ट में एक पेस मेकर की तरह काम करता है ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। उससे वो एट्रिया में अपना इंपल्स जनरेट करेगा, फिर एवी नोड में, फिर उसके बाद बंडल ऑफिस, फिर बंडल ब्रांच, देन पुर्किंजी फाइबर्स। तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन होने में हेल्प करता है। हर्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। अब एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, फिब्रिलेशन की तरह यहाँ पे कई बार क्या है, हर्ट में छोटे छोटे स्कार हो जाते हैं एट्रिया में, तो वही स्कार फ्लटर का रूप ले लेते हैं। तो हर्ट तेज 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 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है धीरे 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 धीरे, इरेगुलर, मतलब ऐसे नोड से फायर हुआ। अब उसके बाद एट्रिया में ही बहुत सारे नोड्स एक्टॉपिकली फायर करने लगते हैं, तो कुछ बीट्स तो फिर वेंट्रिकल्स के थ्रू जाता है और कुछ वहीं रह जाता है। तो काफी ज्यादा हर्ट रेट रहता है इसमें, वेरी हाई हर्ट रेट, ठीक है। उसके अलावा एट्रियल फ्लटर में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनने का भी संभावना रहता है। 48 आवर्स से ज्यादा एट्रियल फ्लटर चलता है तो, क्योंकि एट्रिया पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो ब्लड अंदर रहने लगता है, पर वो तेज 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 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। अब समझते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या आता है पेशेंट को। जनरली एट्रियल फ्लटर में कोई सिम्टम आता नहीं है, पर फिर भी अगर कोई सिम्टम आए तो जैसे लाइट हेडेडनेस, चेस्ट पेन, वीकनेस, थकान, कमजोरी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पसीना आना, ये सब चीजें हो सकती है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन है या फ्लटर है कैसे समझे हम, ठीक है। ईसीजी में हम देखेंगे कि एट्रियल फिब्रिलेशन में आरआर इंटरवेल्स इरेगुलर होती है, पर एट्रियल फ्लटर में रेगुलर होती है मोस्टली, कुछ रेयर केसेस में इरेगुलर होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में साइनस रिदम नहीं होता, पी वेव एब्सेंट होता है ईसीजी में, बाकी फ्लटर में पी वेव प्रेजेंट रहता है, पर वो कैसा दिखेगा, सॉ टूथ अपीयरेंस, सॉ टूथ की तरह से पी वेव, टी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉलो करता है, ठीक है। तो यहां पे QRS भी बनता है, तो ये हो गया, यहां पे साइनस रहेगा, रेगुलर रिदम होगा, सॉ टूथ अपीयरेंस होगा एट्रियल फ्लटर में, ईसीजी में पहचानने के लिए यही इंपॉर्टेंट है। फिब्रिलेशन में इरेगुलर रिदम रहेगा, इरेगुलरली इरेगुलर, साइनस एब्सेंट होगा, पी वेव प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन और फिब्रिलेटिंग वेव्स होगी, पर एट्रियल फ्लटर में साइनस होता है, फ्लटर वेव्स होती है, तो ये ईसीजी फाइंडिंग से हम पता कर सकते हैं। अब एट्रियल फ्लटर क्यों होता है, कारण, एट्रियल फ्लटर होने के पीछे कारण होता है जैसे कोई वल्वुलर हर्ट डिजीज का ऑपरेशन हुआ हो, हर्ट के वॉल्व चेंज हुए हो, तो उससे एट्रियल फ्लटर हो सकता है। कोई मायोकार्डाइटिस रहा हो पेशेंट को, उससे एट्रियल फ्लटर हो सकता है पेशेंट में, ठीक है। तो अब बात करते हैं एट्रियल फ्लटर में इन्फेक्शन, मायोकार्डाइटिस जैसे मैंने बताया, उसके अलावा वॉल्व का कोई इन्फेक्शन हो, या वॉल ट्रांसप्लांट हुआ हो, या कोई पोस्ट सर्जरी एट्रियल फ्लटर पेशेंट को डेवलप हुआ हो। उसके अलावा पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स देखे जाते हैं, एज देखा जाएगा पेशेंट का, स्मोकर है, अल्कोहल वगैरह लेता है, कोलेस्ट्रॉल का क्या हाल है, डायबिटिक तो नहीं है, एज कितना है, वो सारी चीजें होती है। अब एट्रियल फ्लटर को ट्रीट कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया था एट्रियल फिब्रिलेशन में ट्रीटमेंट का तरीका वही एट्रियल फ्लटर का भी रहता है। कैसे भाई, रिदम इरेगुलर है, हाई रेट है, रेट कंट्रोल के लिए ड्रग देंगे, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है, एम्यूडेरोन नाम की दवाई दे सकते हैं, एंटी अरिथमिक क्लास 3 ड्रग्स इबूटिलीब, डॉफेटिलीब दे सकते हैं पेशेंट में, डिजॉक्सिन दे सकते हैं। तो ये एट्रियल फ्लटर के रेट को कंट्रोल करता है। उसके बाद भी अगर एट्रियल फ्लटर ठीक नहीं होता है, इनकेस ठीक नहीं होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, कैथेटर एब्लेशन कर सकते हैं, कार्डियोवर्जन दे सकते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, अनस्टेबल है, तो कार्डियोवर्जन, ठीक है, कुछ केसेस में कैथेटर एब्लेशन करना पड़ता है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।